हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप लोगों में बहुत सारे बच्चे सेमेस्टर 5 का इकोनॉमिक्स के एग्जाम से निकल करके मुझे ये मैसेज कर रहे हो कि मैथ्स में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स का नाम बता दीजिए जिसको पढ़ करके मैं मैथ्स में पास मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा। भाइयों और बहनों, मैं कुछ चैप्टर्स का नाम बता रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी संजीवनी ब्यूटी फॉर यू। माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भैया मैट्रिक्स, फंक्शन, लिमिट, डिटर्मिनेंट्स और कंटिन्यूटी, क्या क्या बोलो, मैट्रिक्स, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिटर्मिनेंट्स, इतना चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बट रिमेंबर, चैप्टर कंप्लीट करना होगा आपको। आप सोचोगे कि अचानक से मैं लाइव अटेंड कर लूं, या आप सोचोगे कि अचानक से मैं थोड़ा क्विक रिवीजन कर लूं, तो क्विक रिवीजन कब समझ आएगा, जब आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता है। अगर चैप्टर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो अचानक से मैथ्स का तो लाइव क्लास करके तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली जिनको कुछ भी नहीं किया है उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ ये वीडियो, बार बार बोल रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, आप पहले लिमिट, फंक्शन, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड कंटिन्यूटी, ये चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। ये चैप्टर अगर आप कर लेंगे तो आप ऑन एन एवरेज 30 से 32 मार्क्स का पेपर सॉल्व करके आ जाएंगे, अगर क्वेश्चन पेपर 2022 वाले पैटर्न में आता है तो। सर 2022 के पैटर्न में क्या यूनिक था? 2022 के पैटर्न में माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, दे हैव गिवन 8 क्वेश्चंस, आउट ऑफ दैट ओनली 4 आपको अटेंड करना था 10-10 मार्क्स का। तो 4 में से अगर वैसा क्वेश्चन पेपर आता है तो ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि 8 में से जो 4 मुझे आता रहेगा इजी वो मैं करूंगा। क्लियर है गाइस? तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो ये चैप्टर्स आपको बचा लेंगे मैथ्स और इकोनॉमिक्स में। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। और आज सेमेस्टर, आज क्लास 11 का मॉक टेस्ट ट्यूशन सेंटर में, इसीलिए कल शाम को 5 बजे मैथ्स का लाइव करके कुछ कुछ चैप्टर्स, कुछ कुछ सम्स मैं भी आपको करवा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प होगा। थैंक यू।